हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर जो है व्यू से में लिखा गया कोड, एचटीएमएल का कोड किस तरीके से कंट्रोलर कंट्रोल करके और यूजर तक पहुँचाता है। जैसे कि ए वाला हो गया, किस तरीके से, ये कंट्रोल में तो नहीं था, ये था व्यू में, किस तरीके से वहाँ से उठ के यहाँ तक आ रहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मैंने अपना जंप स्टार्ट कर लिया है, आप भी कर लीजिए। और मैं, ये है हमारा कोड एडिटर, मैं इसको फुल कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंट्रोलर, यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कंट्रोलर है ना, इसके अंदर दो है, पहले हमने दो बना चुके हैं हम। एक और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और न्यू फाइल करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्ले, तो आप लिख दिया डिस्प्ले, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, नाम आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। .php, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा किस तरीके से करना है। पहली बात है ना, क्लास लिखते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फाइल का नाम लिखेंगे। नाम क्या है, डिस्प्ले, लेकिन पहले लेटर क्या होगा, कैपिटल, डिस्प्ले, क्योंकि क्लास हमेशा कैपिटल होता है, एक्सटेंड करता है। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक्सटेंड क्या है, सहयोग लेना चाहता है किस से, CI_ कंट्रोलर से। तो देखिए एक बार क्या है कि ये क्या है कि डिस्प्ले करना चाहता है, डिस्प्ले का नाम है, यानी कि इसका नाम है क्या, डिस्प्ले, क्लास का नाम। एक्सटेंड करना चाहता है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, आप सिंपल अगर हिंदी भाषा समझना चाहते हैं, हिंदी में या उर्दू में, तो इसका मतलब है कि हेल्प मांग रहा है किससे, CI से। CI का मतलब क्या है, CI का मतलब क्या है, समझ आए क्या है, CI है हमारा कोऑर्डिनेटर, और ये क्या है, ये हमारा है कंट्रोलर, यानी कि क्लास बना रहा हूँ ये एक डिस्प्ले नाम का, वो हेल्प ले रहा है किससे, CI_कंट्रोलर से। तो अब इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे, यानी कि वो किसके जरिए कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटर के जरिए कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक फंक्शन आते हैं, पहले पब्लिक भाई फंक्शन, पता होगा ना आपको, पहले अगर आप इंडेक्स लिख रहे हैं तो आपका इंडेक्स ही कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी कॉल हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको शुरू में आप सीख रहे हैं तो आप इंडेक्स लिखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हो गया, उसके बाद हम क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि ये को करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये वाला भाई, जो भी हो चलो कोई नहीं, हमें तो क्या, ये हो गया, अब क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब राउटिंग करते हैं अपना, अब यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेटर, हमारा फाइल का नाम है, हो गया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, पहले इंडेक्स लिखेंगे हमेशा .php, उसके बाद में अपने इसका नाम लिखेंगे क्या है, डिस्प्ले, तब लिखेंगे डिस्प्ले, वहाँ पे आ गया, इंटर कर दीजिए, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन अब ये कोड, ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे ना लिख के, मैं चाहता हूँ कि ये सब व्यू में लिखूँ, जो यहाँ पे हो सारा कुछ मैं व्यूज में लिखूँ, यहाँ पे कि व्यू में लिखूँ यहाँ पे, और यहाँ से कोड उठाऊँ मैं यहाँ पे लेके आऊँ। तो चलिए एक फाइल यहाँ पे बना लेते हैं व्यू के अंदर, आप यहाँ पे लिखते हैं क्या, कोई भी जो आप चाहें, मैं लिख रहा हूँ MSG, यानी कि मैसेज लिखना चाहता हूँ, मैसेज है .php। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको HTML का फाइल लिखना होता है, तो आप सिंपली HTML शुरू कर दें। लेकिन मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊँगा ना, तो उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि HTML नहीं हम लिखे करेंगे, बूटस्ट्रैप, वो बहुत दामी अच्छा है और बहुत ही बेस्ट है। HTML हो गया, शायद आपको आता ही होगा ये सारा कुछ, मैं आराम से बनाता हूँ। वेलकम कोऑर्डिनेटर, क्या लिख रहा है यार भाई, कोऑर्डिनेटर, अरे यार कोऑर्डिनेटर, आप कुछ भी लिखें आपकी मर्जी हो, तो बॉडी के अंदर, अब बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो मैं H1 में लिखता हूँ एक नाम, वेलकम कांग्रेस,
Angrit, you can. Angrit, this is your first view. हो गया ना, ये सिंपल सा एक मैंने HTML का फाइल बना लिया। अब इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और सबको दिखाई दे दे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ से। इसके लिए सिंपली क्या करना होता है कि इसके अंदर आपको इसे लोड करवाना होता है, जो यहाँ पे व्यू होता है ना, जो यहाँ पे व्यू है उसको आपको क्या करवाना होता है, लोड करवाना होता है। तो बहुत ही आसानी से लोड करवाने के लिए पहले आप देखेंगे कि ये व्यू फाइल है वो है किस जगह पे, यानी कि ये एप्लीकेशन के अंदर है कि नहीं, यानी कि और किसी प्रोग्राम से हम यूज़ करना चाहते हैं। अगर एप्लीकेशन के अंदर ही है तो लिखेंगे दिस, यानी कि इसी एप्लीकेशन के अंदर है वो जो हम लोड करवाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, लोड। लोड का मतलब क्या होता है, ट्रक जैसे होता ना, ट्रक में अगर हमने कुछ डाल दिया तो क्या हो गया, उसमें चला गया, उसमें लोड हो गया, तो आपको भी लोड करवाना होगा। लोड करवाना है, एरो चिन्ह देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे किसको लोड करवाना है, मॉडल, यहाँ पे देखिए तमाम फाइल है ना, कॉन्फिग लोड करवाना है कि कंट्रोलर की व्यू कोर हेल्पर वाप, क्या लोड करवाना है, आप नाम देखेंगे यहाँ पे, किस नाम का हमेशा करवाना है, व्यू का नाम का। तो व्यूज नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ व्यू लिखेंगे। अब व्यू लिखने के बाद में फिर तो नहीं हो सकता अभी भी, क्योंकि व्यू के अंदर तो तमाम है, एक दो तीन और भी हो सकता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम के अंदर एक दो नहीं, 10, 20, 50, 100 भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो करवाना है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अब दोबारा से ये बनाएंगे, ब्रैकेट देंगे, डबल कोड या सिंगल कोड कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि PHP के अंदर हमेशा आप डबल कोड ना लिख के हमेशा आप क्या लिखेंगे, सिंगल कोड लिखेंगे। तो सिंगल कोड लिखिए, उसके बाद में इसमें से कौन सा आपको लोड करवाना है, ये करवाना है कि ये करवाना है, कौन सा आपको प्रिंट करवाना है, ये वाला प्रिंट करवाना है अपने ब्राउज़र पे या ये वाला प्रिंट करवाना है, जो वाला आपको करवाना है वो कर सकते हैं। तो ये तो हमारा है ही नहीं, तो हम ये क्यों करवाएं, हमारा तो ये है तो हम इसको करवा लेते हैं। तो चलिए उसके अंदर उसका नाम लिख दीजिए सिंपली MSG। और एक बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पर .php ना लिखें तो बेस्ट होगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं फिर भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ना लिखें तो वो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे सेमीकोलन ना भूलें, अगर सेमीकोलन अगर आपने भूल गया तो फिर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ फंक्शन के बाद मैंने जो यहाँ ब्रैकेट है ना, यहाँ पे नहीं लिखना लगाना है, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है लोड जहाँ करवाता है वहाँ पे आपको करना ही होगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब देखते हैं क्या होना चाहिए, लोड हो गया है ये, तो अब क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर जो होगा यानी कि व्यूज के अंदर जो होगा ये प्रिंट होगा, ये वाला गो इसी नाउ यू कैन सी। अब आप लोग देख सकते हैं, देखिए तो ये सिंपल है ना, आप इसलिए तो यही तो है MVC का, जो हम पढ़ रहे थे ना MVC का मॉडल व्यू कंट्रोलर, यही तो फ़ायदा उसका है कि आप HTML का अलग लिखो, व्यू का कंट्रोल करने के लिए अलग लिखो, आप जब मॉडल का हम पढ़ेंगे ना तो मॉडल को क्या करेंगे, हम अलग से लिखेंगे। यही तो होता है खूबसूरती जो होता है ना PHP का, ये बहुत अच्छा खूबसूरती है। अब देखिए कोई भी अगर आपका बंदा देख रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे HTML कोड दिखाई नहीं दे रहा एक भी, लेकिन प्रिंट इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है। अभी इतना नहीं, अभी और कुछ हो सकता है प्रिंट, इतना ही क्यों, आप कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पे S2 लिख के बला 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 दो आप चाहें। देखिए ऐसे ही आप पूरा बड़ा सा एक फाइल ही बना लेंगे, आप बड़ा सा प्रोजेक्ट ही बना सकते हैं यहाँ पे, उसको सिंपल यहाँ पे लोड करवाएंगे। तो देखिए कितना क्लीन दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे ही ये होता प्रोग्राम, जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा कितना क्लीन है ये और कितना फास्ट होगा, ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि हमें रन करना होता है इस कोड को, इतना ही कोड को हमें रन करना है, लेकिन इसके ज़रिए से यहाँ पे कितना ज़्यादा रन हो रहा है। देखिए ये पूरा फाइल, ये फाइल भी रन हो रहा है, लेकिन ये फाइल लोड नहीं होने में टाइम नहीं लेता, क्योंकि इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता ही नहीं, कॉल करने की ज़रूरत पड़ता है सिर्फ ये कंट्रोलर को, और कंट्रोलर के अंदर ही वो कॉल कर लेता है, इसीलिए फास्ट हो जाता है ये प्रोग्राम। और कोई हैकर का बात करते हैं अगर आप, तो हैकर क्या होते हैं कि हैकर अटैक करते हैं आपके, मैं भी एक एथेनिक हैकर हूँ, या मुझे एथेनिक हैकिंग से बचाना आता है लोगों को। तो क्या करते हैं कि ये जो मॉडल होता है ना, इसी पे हैकर होते हैं इसी पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसको डाटा यहाँ पे डिलीट करते हैं यहाँ से, लेकिन अब कैसे करेंगे, वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, उनको पहुँचने के लिए पहले यहाँ पे आना चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ पे तभी इससे आगे जाएंगे जब वो करेक्ट होंगे। तो इसलिए ये वाला बहुत सिक्योर है,
बहुत ही दमदार है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा फंक्शन, और आपको फंक्शन बनाना तो अभी और आप बना सकते हैं फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन और मैंने बना लिया। मैं फंक्शन का नाम साथ साथ मैं लिखता हूँ पब्लिक भी, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होता है। आप प्रोग्रामर जब है ना बनना चाहते हैं तो आप पब्लिक भी लिखना सीखना शुरू कर दें। पब्लिक प्राइवेट क्या है ना, प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है ये सारा कुछ मैं सिखाऊंगा आराम आराम से। अभी आप बस पब्लिक में ध्यान दें। पब्लिक हो गया, और एक फाइल बनाते हैं नाम, कोई भी नाम का आप जो चाहें, जैसे कि बनाता हूँ एक ब्लॉग नाम को बनाता हूँ। अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये ब्लॉग को कॉल करना चाहता हूँ मैं, कहाँ पे, अपने ब्राउज़र पे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, यूआरएल सेम होगा और जो डिस्प्ले है ना इसके अंदर है ब्लॉग, तो डिस्प्ले के सेलेक्ट देके उसके अंदर क्या किस नाम से है देखेंगे। अगर ब्लॉग नाम से है कॉल करेंगे, देखिए आ गया, लेकिन इसके अंदर में मैंने हमने कुछ लिखा नहीं है, तो अगर आप लिखवाना चाहें तो इसे देख सकते हैं। हेलो, तो देखिए अब क्या होगा, ये देखिए हेलो आ गया। इस तरीके से आप तमाम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं और तमाम को कॉल करवा सकते हैं। अब इसके लिए भी अलग एक मैं व्यू भी बना देता हूँ, एक इसको सबको कॉपी कर लिया यहाँ से, एक और मैंने यहाँ पे बनाया नया ब्लॉग नाम से .php। अब मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है दिस इज योर ब्लॉग, ये हो गया। ऐसा रखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्लॉग तो लिखा लेकिन इसको लोड नहीं करवाया है। तो आप दिस लिखिए, इसके अंदर लोड करना है, किसको लोड करना है, व्यू को लोड करना है, लेकिन व्यू के अंदर दो है तीन है अभी, तो ब्लॉग है या MSG है ये है, किसको लोड करवाना है, ब्लॉग को करवाना है। सेमी कलम डाल दीजिए, आप इसको रिफ्रेश करवाइए, ये देखिए आ गया। तो आप देखिए, आप इसी के अंदर दो है, अगर ये चाहिए तो आपको ये ब्लॉग हटा दीजिए, ये आ गया, ये वाला कॉल हो गया। अगर ये चाहिए तो जिसका नाम इंडेक्स के अलावा, इंडेक्स का होता ना, तो इंडेक्स का छोटा कर ले भाई, जब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जब अगर आपको कॉल करना है तो आप इसका नाम नहीं लिखते हैं, इसके अलावा जो भी आप फंक्शन लिख कर चाहिए आपको उसका नाम लिखना होता है। जैसे कि अभी मैंने इंडेक्स लिखा, ये ब्लॉग लिखा, तो इंडेक्स जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, लेकिन इंडेक्स के अलावा अगर कोई और कॉल करना है तो उसका नाम लिखना पड़ता है आपको। ये देखिए दिस इज योर ब्लॉग। तो ये है फ़ायदा आपका कोऑर्डिनेटर का, जो कि यहाँ पे देखिए कितना क्लीन है ये, अभी तो छोटा है, जब अभी हम आगे काम करने जाएंगे ना तो देखिए कितना बड़ा सा हो जाता है और कितना सुंदर लगता है देखने में। तो मुझे लगता है कि जितना भी बात करें बात एक ही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे आप टेबल बनाइए या आप HTML में जो कर सकते हैं सारा काम करिए, उसके बाद में आप यहाँ पे शो करवाइए। तो मुझे आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ आज के लिए, एक होमवर्क होगा। अब मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, होमवर्क फाइल नाम का फाइल एक नहीं अच्छा नहीं हुआ ये, कुछ और बन गया। मैं आपको बनाता हूँ फाइल, आपको वही करना है, फोल्डर बनाता हूँ एक होमवर्क। अब इसके अंदर मैं ये बनाता हूँ फाइल नया होमवर्क वन। आप आज आप जाएंगे अपने घर पे, या घर पे ही होंगे भाई मतलब आज इसके बाद में ये पढ़ लेने के बाद में आप कुछ आप ट्राई करना है आपको, ये होता है होमवर्क वन है आपके पास, होमवर्क वन। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, तब मैं समझाऊंगा। आप लगाइए एक कंट्रोलर बनाइए एक, उसका कंट्रोलर का नाम लिखिए, टेबल, कंट्रोलर का नाम लिखिए आप टेबल। उसके बाद में एक आप व्यू बनाइए, व्यू बनाइए, और व्यू का भी नाम लिखिए क्या, तो टेबल ही लिख लेते हैं जो आपको आसान लगे, या टेबल व्यू, टेबल व्यू लिखिए। अब टेबल व्यू में आप कोडिंग करिए एक टेबल का, यानी कि जैसे यहाँ पे व्यू है ना, यहाँ पे है एप्लीकेशन के अंदर,
फिर सारा काम एप्लीकेशन के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है। व्यू के अंदर एक एस नाम का बनाइए आप, और इसके अंदर आप टेबल लिखिए, बनाइए पूरा टेबल बनाइए, उस टेबल को प्रिंट करवाइए इसके ज़रिए से। अगर आपने कर लिया ये, समझिए कि आज का जो आपने सीखा था सारा कंप्लीट है। अगर नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करिए, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बाकायदे बहुत ही आराम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेटून गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, पसंद नहीं आया फिर भी कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेटून गुड बाय।